ओम नमः शिवाय। बारह ज्योतिर्लिंग महिमा। वेदों पुराणों शास्त्रों के प्राण, सर्वव्यापक सर्वज्ञाता, पापनाशिनी गंगा को जटाओं में धारण करने वाले, सारे संसार में शांति के प्रतीक, चंद्रमा को माथे पर धारण करने वाले, बुराई स्वरूप जहर को गले में धारण करने वाले देवाधिदेव महादेव श्री शिव शंकर भगवान बारह ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप में इस धरती पर विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकेश्वर। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इन्हीं में से एक अनूठा ज्योतिर्लिंग है। ये महाराष्ट्र में नाशिक से 30 किलोमीटर दूर गोदावरी के किनारे पर विद्यमान है। इस ज्योतिर्लिंग में लिंग स्वरूप पिंडी नहीं है, केवल एक ओखली जैसा गड्ढा है जिसमें अंगूठे के तीन निशान हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में विस्तार से दी गई कथा का सार इस प्रकार है। महर्षि गौतम का आश्रम जिस तपोवन में था, वहीं आसपास अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे। किसी बात पर महर्षि गौतम से अन्य ऋषि मुनि नाराज थे। उन्होंने अपने तपोबल से एक मायावी गाय बनाई और महर्षि गौतम के आश्रम में छोड़ दी। गौतम जी
हाथ में एक तिनका लेकर उस गाय को आश्रम से बाहर निकालने लगे। तिनके का स्पर्श गाय के शरीर से होते ही गाय मर गई। अन्य ऋषि मुनि तो ऐसे मौके की तलाश में ही थे। वो सभी वहां एकत्र हो गए और महर्षि गौतम को गौ हत्यारा कहने लगे। महर्षि गौतम ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और साक्षात प्रकट होकर बोले, मांगो गौतम, क्या मांगना है? महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, मेरे हाथों से एक गाय की हत्या हो गई है। आप इस गाय को जिंदा कर दीजिए, जिससे मैं गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाऊं और जन जन के कल्याण के लिए पावन गंगा को यहां से प्रवाहित कीजिए। भोलेनाथ ने एवमस्तु कहा। वो गाय फिर से जिंदा हो गई, गंगा भी प्रवाहित होने लगी। महर्षि गौतम को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए ब्रह्मा तथा विष्णु भी वहां पधारे हुए थे। अन्य ऋषि मुनि भी वहां मौजूद थे। महर्षि गौतम ने तीनों ही देवताओं से विनती की, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा तथा मेरे साथियों का जीवन कृतार्थ हो गया। आप तीनों देवताओं के एक साथ दर्शन कर पाना जनसाधारण के लिए असंभव बात है। हे स्वामी, आप तीनों ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में यहां स्थापित होने की कृपा करें, जिससे आपके दर्शन का सौभाग्य जनसाधारण को प्राप्त हो सके। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवों के अंगूठे के तीन निशान इसमें आज भी मौजूद हैं।
गोदावरी या गौतमी गंगा का उद्गम ब्रह्मगिरी से हुआ। जहां से ये गंगा निकलती है वहां का गौमुख जैसा आकार है। थोड़ी दूर चलकर ये गंगा लुप्त हो जाती है, फिर आगे प्रकट होती है। इसे महातीर्थ कुशावर्त कहते हैं। हर 12 वर्ष बाद यहां कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुशावर्त तीर्थ में स्नान करके लोग पावन हो जाते हैं। कुशावर्त तीर्थ के पास ही एक बड़ा गंगा सागर नाम का तालाब है, जिसके पास गोरखनाथ की गुफा है, जहां गहिनीनाथ द्वारा निवृत्तिनाथ को नाथ पंथ की दीक्षा दी गई थी। यहीं पर श्री दत्तात्रेय को सिद्धि प्राप्त हुई थी। त्र्यंबक क्षेत्र के पास ही अहिल्या नाम की एक छोटी सी नदी गोदावरी में मिलती है। इसके संगम पर नागनारायण बलि नाम की एक विशिष्ट विधि की जाती है, जिससे पूर्व जन्म में किसी तरह असंतुष्ट रहने वाली आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होती है। गोदावरी गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी की विषम संख्याओं में परिक्रमा करना पुण्य का काम समझा जाता है। ब्रह्मगिरी के परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले दर्शनीय स्थानों के नाम इस प्रकार हैं: कुशावर्त, त्र्यंबकेश्वर, भीम तीर्थ, निरंजन साधुओं का अखाड़ा, भैरव तीर्थ, निर्वाणी साधुओं का अखाड़ा, प्रयाग तीर्थ, नाग तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, राम तीर्थ, राम दर्शन, बाण गंगा, विमल निर्मल तीर्थ, वैतरणा गंगा, गौतम आश्रम, पश्चिमी वाहिनी गंगा, नमस्कार ब्रह्माद्रिलिंग दर्शन, धवल गंगा, शाली तीर्थ, पद्म तीर्थ, गोवर्धन तीर्थ, कर्पूर तीर्थ, मुकंद तीर्थ, महादेवी, हनुमंत, शनेश्वर पुनः, त्रिसंधेश्वर, गायत्री, त्रिभुवनेश्वर। ब्रह्मगिरी, जहां से गोदावरी की उत्पत्ति हुई है, उसके पास ही अंजनी पर्वत है, जहां हनुमान जी की माता अंजनी ने बरसों बरस की तपस्या के बाद श्री त्र्यंबकेश्वर की कृपा से हनुमान जी को जन्म दिया था। इसके पास में ही हरिहर पर्वत है, जहां वशिष्ठ मुनि ने तपस्या की थी और श्री हरि स्वरूप का सबको दर्शन कराया था। कहा जाता है ब्रह्मगिरी का पूर्व नाम त्र्यंबकगिरी था। यहां पर श्री ब्रह्मा जी ने तपस्या करके भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया था, इसीलिए इसका नाम ब्रह्मगिरी पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करने वाला मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगता हुआ सद्गति को प्राप्त होता है। समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जन जन का कल्याण करता रहा है और करता रहेगा। धारी आ जाओ आ जाओ, भक्तों की बिगड़ी बना जाओ बना जाओ। प्रभु गंगा धारी आ जाओ, भक्तों की बिगड़ी बना जाओ। कष्टों के भंवर में फंसी हुई, कष्टों के भंवर में फंसी हुई, ये नैया पार लगा जाओ। प्रभु गंगा धारी आ जाओ, भक्तों की बिगड़ी बना जाओ। प्रभु गंगा धारी आ जाओ आ जाओ, भक्तों की बिगड़ी बना जाओ बना जाओ। प्रभु गंगा धारी आ जाओ
जी का पालन करते हो, दुख दर्द सभी के हरते हो, क्यों निष्ठुर हमरी बार भय, हम भी हैं तुम्हारे भूल गए, इन अश्रु भीगे नैनों को, इन अश्रु भीगे नैनों को, हे भोले नाथ हंसा जाओ। गंगाधारी आ जाओ आ जाओ, भक्तों की बिगड़ी बना जाओ बना जाओ, सद्भावना का रस बांटते हो, दुष्कर्मों की जड़ काटते हो, तेरी दया के दरिया बहते हैं, महादानी तुम्हें सब कहते हैं, निर्धन को खुशी का धन देके, निर्धन को खुशी देके हमको भी कला दिखा जाओ। प्रभु गंगाधारी आ जाओ आ जाओ, भक्तों की बिगड़ी बना जाओ बना जाओ। हे भस्म रमैया देख भी लो, कांटों पे है शैया देख भी लो, यदि और करोगे देर प्रभु, हो जाए कहीं ना अंधेर प्रभु, तेरी दया का अमृत सबके लिए, तेरी दया का अमृत सबके लिए, इस ओर भी रस बरसा जाओ। प्रभु गंगाधारी आ जाओ आ जाओ, भक्तों की बिगड़ी बना जाओ बना जाओ। श्री भीमाशंकर भीमेश्वर। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे जिले के खेड़ गांव सह्याद्री पर्वतमाला के पास भीमा नदी के उद्गम स्थान पर विराजमान है। प्राचीन काल में यहां त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जिसके अत्याचार से स्वर्ग पाताल मृत्युलोक
तीनों ही भयभीत थे। भगवान शिव शंकर ने महाप्रचंड भीमकाय रूप धारण किया और त्रिपुरासुर के साथ युद्ध किया। ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। अंत में उस राक्षस का विनाश हुआ। भगवान शिव शंकर भी थक चुके थे। उनके पूरे शरीर से पानी निकल रहा था। वो एक पहाड़ पर विश्राम करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में परिवर्तित हुए। उस पहाड़ को आज भी भीमाशंकर पहाड़ कहते हैं तथा ज्योतिर्लिंग से आज भी पानी निकलता रहता है जो भीमा नदी के रूप में बहता है। भागीरथी गंगा भगवान शिवशंकर की जटाओं से निकली है तो भीमा नदी उनके पूरे शरीर से निकलती है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिवशंकर ने कुंभकर्ण के बेटे भीम असुर का वध किया था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहां आकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सिंधु से तारो भोले भव सिंधु से तारो एक तुम्हारा आसरा हमको बिगड़े काज संवारो एक तुम्हारा आसरा हमको बिगड़े काज संवारो भव सिंधु से तारो भोले भव सिंधु से तारो हम दुखिया रे दीन बड़े हैं आस लगाए कब से खड़े हैं हम दुखिया रे दीन बड़े हैं आस लगाए कब से खड़े हैं करुणा दृष्टि से त्रिपुरारी हमको आज निहारो करुणा दृष्टि से त्रिपुरारी हमको आज निहारो अब सिंधु से तारो बोले सिंधु से तारो करके अद्भुत बैल सवारी कभी तो सुध लो प्रभु हमारी करके अद्भुत बैल सवारी कभी तो सुध लो प्रभु हमारी बरसों से ये नैन बरसते अब तो कष्ट निवारो बरसों से ये नैन बरसते अब तो कष्ट निवारो अब सिंधु से तारो बोले अब सिंधु से तारो शरण तुम्हारी जो कोई आया तुमने उसकी पलट दिखाया शरण तुम्हारी जो कोई आया तुमने उसकी पलट दिखाया समय मिले तो दशा हमारी भी है नाथ सुधारो समय मिले तो दशा हमारी भी है नाथ सुधारो भव सिंधु से तारो बोले भव सिंधु से तारो भव सिंधु से तारो।
सिंधु से तारो भोले, भव सिंधु से तारो। श्री कृष्णेश्वर, श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल गांव के पास शिवालय नामक तीर्थ स्थान पर विराजमान है। कहा जाता है कि माता पार्वती एक बार यहां बाएं हाथ की हथेली पर कुमकुम और केशर लेकर मांग भरने के लिए खड़ी हुई थी। उन्होंने शिवालय तीर्थ से पानी लेकर केशर कुमकुम में डाला और दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से घिसने लगी। अचानक चमत्कार हुआ, उनके हाथ पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का निर्माण हो गया। माता पार्वती ने उस ज्योतिर्लिंग को शिवालय तीर्थ पर स्थापित कर दिया, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग घर्षण से पैदा हुआ था, इसीलिए इसका नाम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। घृष्णेश्वर महात्म्य के अनुसार वेरुल में सुधर्मा नाम का एक गृहस्थ रहता था। सुदेहा तथा घृष्णा उसकी दो पत्नियां थीं। घृष्णा परम शिव भक्तिनी थी। वो रोज 101 पार्थिव शिवलिंगों से पूजा करती और उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती। भगवान शंकर की कृपा से उसको एक पुत्र पैदा हुआ। वो बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी सौतन बहन सुदेहा ने उसके पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर उसी सरोवर में डाल दिए जहां कृष्णा शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह सुबह जब कृष्णा शिवलिंग लेकर वहां पहुंची तो अपने बेटे के टुकड़ों को देखा। उसी समय वहां भगवान शिवशंकर प्रकट हुए और कृष्णा के बेटे को जिंदा कर दिया। भगवान शिवशंकर ने कहा, कृष्णा और कुछ वर मांगना हो तो मांग लो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं। कृष्णा ने कहा, हे प्रभु, जैसे आपने मेरा कल्याण किया है उसी प्रकार जन जन के कल्याण के लिए आप हमेशा हमेशा ज्योतिर्लिंग स्वरूप में यहां वास करें। घृष्णा के कारण इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, इसीलिए इसका नाम घृष्णेश्वर पड़ा। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन अमोघ फलदायक है।
उसकी कसौटी पे कौन है पूरा, उसकी कसौटी पे कौन है पूरा, उसकी कसौटी पे कौन है पूरा, उसकी कसौटी पे कौन है पूरा। सच के तराजू लेना तोल भोले शंकर ने, शंकर ने मेरे प्यारे शंकर ने, बोले शंकर ने मेरे प्यारे शंकर ने, बोले शंकर ने मेरे प्यारे शंकर ने, बोले शंकर ने मेरे प्यारे शंकर ने। हमें दी है मुरादे अनमोल भोले शंकर ने, हमें दी है मुरादे अनमोल भोले शंकर ने। रखा है जिसने भी इस पे भरोसा, रखा है जिसने भी इस पे भरोसा, रखा है जिसने भी इस पे भरोसा, रखा है जिसने भी इस पे भरोसा। किस्मत के द्वारे दिए कोल भोले शंकर ने, हमें दी है मुरादे अनमोल भोले शंकर ने, भोले शंकर। निष्ठा से जब कोई द्वारे पे रोया, निष्ठा से जब कोई द्वारे पे रोया, निष्ठा से जब कोई द्वारे पे रोया, निष्ठा से जब कोई द्वारे पे रोया। सुधा दी खुशियों की घोल भोले शंकर ने, हमें दी है मुरादे अनमोल भोले शंकर ने, भोले शंकर ने मेरे प्यारे 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 शंकर ने। हमें दी है मुरादे अनमोल भोले शंकर ने, हमें दी है मुरादे अनमोल भोले शंकर ने, हमें श्री विश्वेश्वर। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का स्थायी निवास माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग गंगा किनारे काशी में स्थित है। काशी को आजकल वाराणसी या बनारस भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर विवाह के पश्चात माता पार्वती को यहां लेकर आए थे और दोनों ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप में निवास करने लगे। इस काशी नगरी की महिमा बड़ी अपार है। बताते हैं, प्रलय काल में भी इस नगरी का लोप नहीं होता। भगवान शिव शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल में यथास्थान रख देते हैं।
भगवान विष्णु ने सृष्टि कामना से इस नगरी में तपस्या द्वारा शिव शंकर को प्रसन्न किया था। इस पवित्र नगरी में प्राण त्याग करने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि जप, ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए मात्र एक काशी ही परम गतिदायक है। श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने वाला मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से भक्तों को परम गति प्राप्त होती है। भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी, भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी, तेरा नाम है भोला भंडारी, तेरा नाम है भोला भंडारी, भंडार हमारे भर भी दो, हर मन की चिंता हर भी सुख चैन का हमको वर भी दो, तेरा नाम है भोला भंडारी, तेरा नाम है भोला भंडारी, भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी, भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी। हरता सुख दाता हो, नट राजन भाग्य विधाता हो, तुम दुख हरता सुख दाता हो, नट राजन भाग्य विधाता हो, महायोगी दया निधान भी हो, तुम नीलकंठ भगवान भी हो, हमें भक्ति की पावन धुन देना, सब राहों के कांटे चुन लेना, प्रभु बिनती हमारी सुन लेना, तेरा नाम है भोला भंडारी, भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी, भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी। चरण शरण में आ जाते, मन वांछित ही फल पा जाते, जो चरण शरण में आ जाते, मन वांछित ही फल पा जाते, हो कुछ बेल पत्तियां अर्पण कर, कई वैभव ले गए झोलियां भर, कुछ हमें भी खुशियां दान करो, सुख शांति दे कल्याण करो, प्रभु हर मुश्किल आसान करो, तेरा नाम है।
तेरा नाम है भोला भंडारी। भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी, भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी। तेरी दया दृष्टि है जब होती, कंकड़ भी बनते हैं मोती। तेरी दया दृष्टि है जब होती, कंकड़ भी बनते हैं मोती। मोती है भयनाशक शिव कैलाशी, हे घट घट वासी अविनाशी। ये बाह पकड़ के छोड़ो ना, निर्दोष का ये दिल तोड़ो ना। हमें द्वार से खाली मोड़ो ना। तेरा नाम है, तेरा नाम है भोला भंडारी। तेरा नाम है भोला भंडारी हो, तेरा नाम है भोला भंडारी हो, तेरा नाम है भोला भंडारी। भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी, भोला भंडारी। श्री महाकालेश्वर। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सिप्रा या क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगरी में विराजमान है। ये नगरी भारतवर्ष की सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में उज्जैनी नगरी और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कभी यहां चंद्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। वो परम शिव भक्त थे। एक दिन एक 5 वर्ष के गोप बालक ने उन्हें शिवलिंग की आराधना करते देखा, तो बालक एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर अपने घर ले गया और फूल तथा पत्ते पर उस पत्थर को रखकर पूजा करने लगा। उसकी मां बार बार उसे खाने के लिए पुकारने लगी। वो बालक हाथ जोड़कर वहीं बैठा रहा। मां को जब अधिक क्रोध आया तो उसने उस पत्थर को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। बालक शिव को पुकारता हुआ रो रो कर उस पत्थर के पास आया और बेहोश होकर गिर पड़ा। वो बालक जब होश में आया तो एक भव्य मंदिर में तेजस्वी ज्योतिर्लिंग के सामने उसने अपने आप को पाया। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। इसी बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप पैदा हुए, जिनके घर में भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेकर तरह तरह की लीलाएं की। दूसरी कहानी के अनुसार एक दूषण नाम का असुर बहुत ही अत्याचारी और क्रूर था। वो किसी को पूजा पाठ नहीं करने देता था। धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। भगवान शिव शंकर ने महाकाल का रूप धारण कर उस दूषण असुर का वध किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में धरती पर विराजमान हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से जो फल प्राप्त होता है वो फल बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर सकते। जय श्री भोला, जय श्री भोला, जय श्री भोला।
भोला जय शिव भोला, डमरूधारी जय शिव भोला। जूट में गंगा वाला योगी महासन्यासी है, भस्म रमा कैलाश पे बैठा अजर अमर अविनाशी है। जटा जूट में गंगा वाला योगी महासन्यासी है, भस्म रमा कैलाश पे बैठा अजर अमर अविनाशी है। निज भक्तों को फल है देता, निज भक्तों को फल है देता, मंगलकारी शिव भोला, शिव भोला जय शिव भोला, जय डमरूधारी शिव भोला। जय शिव भोला, जय शिव भोला, डमरूधारी जय शिव भोला। के नाम की जप लो माला भोसा कर तर जाओगे, रोग शोक संताप मिटेंगे, मनवांछित फल पाओगे। इसके नाम की जप लो माला भोसा कर तर जाओगे, रोग शोक संताप मिटेंगे, मनवांछित फल पाओगे। इसके नाम की जप लो माला भव सागर तर जाओगे, रोग शोक संताप मिटेंगे, मनवांछित फल पाओगे। हर चिंतक की हरेगा चिंता, हर चिंतक की हरेगा चिंता, भव भय हारी शिव भोला, शिव भोला जय शिव भोला, जय डमरू धारी शिव भोला। शिव भोला जय शिव भोला, जय डमरू धारी शिव भोला। जय शिव भोला, जय शिव भोला, डमरूधारी जय शिव भोला। जय शिव भोला, जय शिव भोला। श्री नागेश्वर, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र मराठवाड़ा में परभणी जिले के दारुका वन में विद्यमान है। कहा जाता है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी ऋषि मुनि तथा देवता आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने जमाई शिव शंकर को आमंत्रित नहीं किया। उनकी बेटी पार्वती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाई। पार्वती ने यज्ञ में पहुंचकर अपने शरीर की यज्ञ कुंड में आहुति दे डाली। भगवान शिव शंकर ने पार्वती की आहुति के बाद उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला और धरती पर भी काफी उत्पात मचाया। भगवान विष्णु के समझाने बुझाने पर वो शांत हुए और दारुका वन में आकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर वास करने लगे। बताते हैं, एक बार औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए हुक्म दे दिया। जब उसके सिपाही इस मंदिर को तोड़ने लगे तो हजारों भौरे टूटे हुए भाग से निकलकर सिपाहियों को डंक मारने लगे। औरंगजेब के सिपाही वहां से भाग खड़े हुए। भक्तों ने फिर से टूटे हुए भाग का निर्माण कर दिया। श्री नागेश्वर या नागनाथ ज्योतिर्लिंग पर कभी कभी एक बड़े फन वाला नाग वहां पर रखे हुए दूध को पीता हुआ भक्तों को दिखाई देता है। यहां आकर दर्शन पूजन करने वाला सारे पापों से छुटकारा पाकर
समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भगवान शिव शंकर विराजमान हैं। कई बार भगवान शिव शंकर को यहां आना पड़ा, इसीलिए इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार दी गई है। एक बार भगवान शिव शंकर के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री स्वामी कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। भगवान शिवशंकर और माता पार्वती ने दोनों से कहा, तुम दोनों में से पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो हमारे पास पहले पहुंचेगा उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े। श्री गणेश जी के लिए ये कार्य बड़ा मुश्किल था। एक तो भारी शरीर, दूसरे सवारी मूषक, लेकिन उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। उन्होंने तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा का उपाय खोज निकाला। उन्होंने माता पिता का पूजन किया और उनकी सात परिक्रमा लगाई। शास्त्रों के अनुसार
माता पिता की पूजा परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होती है। स्वामी कार्तिकेय जब वापस लौटे तो श्री गणेश जी का विवाह हो चुका था। ये देखकर वो माता पिता से नाराज होकर श्री शैल पर्वत पर चले आए। माता उन्हें मनाने के लिए यहां आईं। पीछे भगवान शिव शंकर भी आए। कार्तिकेय ने भगवान शिव शंकर से शैल पर्वत पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थापित होने की इच्छा जाहिर की। भगवान शिव शंकर ने यहां ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया। मल्लिका के फूलों द्वारा कार्तिकेय ने पूजा की, इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने से दैहिक, दैविक एवं भौतिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शंकरी मनोहराय शाश्वताय मंगलम्।
मंगलदाय मंगलम। श्री रामेश्वर। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के द्वारा की गई थी। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में दो कथाएं सुनने को मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व समुद्र के किनारे बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। दूसरी कहानी के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने पहला पड़ाव समुद्र के इस पार पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि मुनि उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, इस पाप से निवृत्ति का मुझे उपाय बताइए। ऋषि मुनि बोले, आप यहां शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना कीजिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। भगवान शिव शंकर से भेंट नहीं होने के कारण हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर हो गई। तब शुभ मुहूर्त पर सीता जी द्वारा बालू का शिवलिंग बनाया गया और विधिवत पूजा आराधना की गई। हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी वहीं पास में स्थापित कर दिया गया। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से मनुष्य जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पाता है और परमपिता परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त करता है। हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय।
धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में सागर के किनारे पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भागवत महाभारत तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी अनेक कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। चंद्रदेवता उनमें से एक कन्या को ही अधिक चाहते थे। अन्य कन्याओं ने अपने पिता महाराजा दक्ष से चंद्रदेव के व्यवहार की शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया बुझाया, लेकिन चंद्रदेव के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तब क्रोधित होकर महाराज दक्ष ने चंद्रदेव को क्षयी होने का शाप दे दिया। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे भगवान शिव शंकर की आराधना की। प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे द्वारा की गई आराधना से प्रसन्न हूं, जो भी इच्छा हो वरदान मांगो। चंद्रदेव ने कहा, स्वामी मैं महाराजा दक्ष प्रजापति के शाप से कांतिहीन हो गया हूं, आप मुझे फिर से कांतिवान कर दीजिए और मेरे नाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण कर हमेशा हमेशा के लिए यहां स्थापित हो जाइए प्रभु। भगवान शिव शंकर ने चंद्रदेव को कांतिवान बनाया और आज भी सोमनाथ मंदिर में विराजमान हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करने वाला भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाता है और लौकिक एवं पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव ही सफल हो जाते हैं।
करुणा का रस सबने पिया प्यास मेरी भी बुझाओ शिव शंभू मेरे भाग्य जगाओ शिव शंभू मेरे घर में भी आओ शिव शंभू मेरे घर में भी आओ शिव शंभू केदारनाथ। श्री केदारनाथ या केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग हिमालय पर्वत की केदार नामक चोटी पर विद्यमान है। यहां की प्राकृतिक शोभा मन को मोह लेती है। इस चोटी के पश्चिम की ओर पुण्य मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर हमें धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व दिशा में अलकनंदा नदी के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। ये दोनों ही नदियां यहां आकर मिलती हैं। इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं और ये संयुक्त धारा जहां पर भागीरथी गंगा में मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ के चरणों को धोने वाले जल और पावन भागीरथी गंगा जल के संगम पर स्नान करना परम पुण्य फलदायी माना जाता है। हिमपात के कारण 6 महीने के लिए इस मंदिर को बंद रखा जाता है। इस मंदिर के द्वार बंद करते समय घी का एक मंदादीप जलाया जाता है। भगवान केदारनाथ की कृपा से 6 महीने बाद मंदिर के द्वार खोलते समय ये दीप जलता हुआ ही मिलता है। इस दीप की दिव्य ज्योति के दर्शन करने वाला परम सौभाग्यशाली माना जाता है।
श्री केदारनाथ या केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से भक्तों को सांसारिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।
वैद्यनाथ। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की शास्त्रों और पुराणों में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कहते हैं जब रावण ने भगवान शिव शंकर को आराधना द्वारा ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्राप्त कर लिया तो उस ज्योतिर्लिंग को कैलाश पर्वत से लंका के लिए लेकर चल दिया। रास्ते में उसे वो ज्योतिर्लिंग किसी कारण वैजू ग्वाले के हाथ में थमाना पड़ा। वैजू ग्वाला ज्योतिर्लिंग के भारी वजन को संभाल नहीं पाया, उसने धरती पर रख दिया। रावण उस ज्योतिर्लिंग को फिर उठा नहीं सका, वहीं वो ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। वैजू ग्वाले के कारण इसका नाम वैद्यनाथ पड़ गया। इस ज्योतिर्लिंग की एक कथा इस प्रकार भी है। देव और दानवों ने मिलकर एक बार समुद्र मंथन किया था, जिससे उन्हें 14 रत्न प्राप्त हुए, जिसमें अमृत भी था। अमृत प्राप्त करने के लिए राक्षस दौड़ पड़े। भगवान विष्णु ने सभी रत्नों को शिव शंकर की पिंडी में छुपाकर यहां स्थापित कर दिया। राक्षसों ने जब इस पिंडी को छूने की चेष्टा की तो भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी और देवताओं के छूने पर अमृत वर्षा होने लगी। इसीलिए आज भी इस पिंडी को छूकर दर्शन करने की प्रथा है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में बीड़ जिले के परली गांव में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से असीम शिव कृपा प्राप्त होती है, जिससे सारे संसार में भक्तों को भगवान शिव शंकर ही नजर आते हैं। उनके लिए मोक्ष का मार्ग स्वयं ही खुल जाता है।
श्री ओमकारेश्वर। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर विद्यमान है। इस स्थान पर नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। बीच के टापू को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। यहीं पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। पूर्व काल में महाराजा मांधाता ने इसी पर्वत पर भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया था। इस ज्योतिर्लिंग के पास मंदिर के अंदर दो कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। अंदर अंधेरा रहने के कारण यहां निरंतर ओमकार स्वरूप प्रकाश जलता रहता है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। पूरा मांधाता पर्वत ही शिव का रूप माना जाता है, इसीलिए इसे शिवपुरी कहते हैं। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। दूसरे स्वरूप को श्री अमलेश्वर या ममलेश्वर नाम से जाना जाता है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रक्षा करेंगे सबकी ही, अब ना कोई खटका ना ही हम। कर शिव का डमरू डम डम डम, बोलो जोर से भक्तों बम बम बम। Dum, 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 dum.
डमा डम डम डमा डम इस जग के बंधन तोड़ के तुम जी जान से शिव के हो जाओ जो शिव की जटाओं से निकली उस गंगा में तन मन धो जाओ इस जग के बंधन तोड़ के तुम जी जान से शिव के हो जाओ जो शिव की जटाओं से निकली उस गंगा में तन मन धो जाओ शिव नाम औषधि है ऐसी शिव नाम औषधि है ऐसी हर पीड़ा करे जो पल में कम कर शिव का डमरू डम 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 बोलो जोर से भक्तों बम 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 डमा डम डमा डम डम डमा डम डम डमा डम डमा डम डम डमा डम रात और दिन ये नेकी बती ये धूप और छाया शिव की है पतझड़ी बहारों के मौसम हर चीज ही माया शिव की है ये रात और दिन ये नेकी बती ये धूप और छाया शिव की है पतझड़ी बहारों के मौसम हर चीज ही माया शिव की है इस मन का शिवाला रूप बना इस मन का शिवाला रूप बना आओ कर ले सफल अपना ये जन्म कर शिव का डमरू डम 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 बोलो जोर से भक्तों बम 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 कर शिव का डमरू डम 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 बोलो जोर से भक्तों बम 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 डम डमा डम डमा डम डम डमा डम उपसंहार। शास्त्रों के अनुसार इस संसार में हर प्राणी के जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष का अर्थ है दुखों का अंत या परम सुख की प्राप्ति। इसके लिए तीन रास्ते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। सर्वव्यापक तीन देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश यानी शिव शंकर भगवान बड़े ही भोले भाले हैं। ये भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। भक्तों को मुंह मांगे वरदान देने वाले भोलेनाथ तीनों लोकों के ऐश्वर्य के धनी माने जाते हैं। शिव शंकर भगवान निराकार ज्योति स्वरूप हैं, इसीलिए इनकी पूजा आराधना शिवलिंग स्वरूप में की जाती है। इस धरती पर अनगिनत शिवलिंग और शिवालय हैं। इनमें से 12 शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इन 12 परम दिव्य ज्योतिर्लिंगों का दर्शन पूजन वंदन करने वाले प्राणी आरोग्य, सौभाग्य, संतान, यश, कीर्ति, वैभव, सुख, शांति तथा भोलेनाथ की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इनके महात्म्य की कथा सुनने से हर इच्छा की पूर्ति होती है, शत्रु का नाश होता है तथा प्रभु की असीम कृपा की शीतल छाया की प्राप्ति होती है। आइए अब हम सब मिलकर इनकी आरती करते हैं।
वाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। तांबर पीतांबर पाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य के तीनों एका ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती कोई नर गावे कहत
शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, हर हर शिव ओंकारा, शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव।